Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 2, India, Climate and Natural Resources from class 7th SS semester 2. Land resources. A large area covered chiefly with numerous trees and undergrowth is called a forest. Forests are an invaluable source of wealth of a nation. There are different types of forest in India because of its physiography and climate. There are 5000 types of trees in India. India ranks 10th in the world in terms of the availability of the variety of vegetation. Since ancient times, India is renowned for medicinal herbs. There is mention of almost 2000 varieties of herbs and trees in Ayurveda. एक बड़ा सा क्षेत्र जो मुख्य रूप से कई पेड़ों और छोटे छोटे पेड़ पौधों से भरा हुआ होता है उसे वन कहा जाता है। वन जो है वो एक देश के धन का अमूल्य स्रोत है। भारत में अलग अलग प्रकार के वन हैं, क्योंकि इसके भौतिक विज्ञान और इसकी जलवायु के कारण भारत में 5000 प्रकार के पेड़ हैं। भारत वनस्पति की विविधता की उपलब्धता के कारण के मामले में दुनिया के 10वें स्थान पर है। प्राचीन काल से ही भारत अपनी औषधीय जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां और पेड़ों की लगभग 2000 किस्मों के बारे में बताया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स माउंटेनियस रीजन्स एंड द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। एवरग्रीन आर सो नेम्ड एज देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, देयरफॉर दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। These trees are usually 30 to 35 meter in height. Bamboo, teak, sal, mahogany and sesam are the main trees of this forest. Sadabahar Van uttar-purvi bhago parvatiya kshetro aur Bharat ke Andaman aur Nicobar deep samuh mein paaye jaate hain. Sadabahar ka naamkaran isliye kiya jata hai ki pedon ke liye apni pattiyon ko baha dena, yani जो पेड़ है उसकी जो पत्ती झड़ने के लिए कोई विशेष मौसम नहीं है, इसलिए ये जंगल पूरे साल हरे भरे रहते हैं। ये पेड़ आमतौर पर 30 से 35 मीटर ऊंचाई के होते हैं। बांस, सागौन, साल, महोगनी और शीशम इन जंगलों के मुख्य पेड़ हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, द सतपुड़ा हिल्स, द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टीक, साल, मुडा, बनियान एंड पीपल। दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, हिमालय की तलहटी, भारत की पूर्वी और पश्चिम घाट की तलहटी में पर्णपाती वन यानी कि डेसीडियस वन पाए जाते हैं। The tidal or mangrove forests are most luxuriant around the delta area of large rivers and in sheltered bays where the annual rainfall is very high. The Indian tidal or mangrove forests are mainly situated on the Gangetic Delta in the coastal plains in West Bengal, called the Sundarbans. Mangroves, Sundari, palms, kevra, cher grow in this forest. तो टाइडल और मैंग्रोव वन बड़ी नदियों के डेल्टा क्षेत्र के आसपास और आश्रित खाड़ी में सबसे अधिक आलीशान है, जहां पूरे साल वर्षा बहुत अधिक होती है। इंडियन टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट मुख्य रूप से गंगा के डेल्टा पर और पश्चिम बंगाल में तटीय मैदान में स्थित है। इन जंगलों में सुंदरबन, मैंग्रोव, सुंदरी, पाम्स, केवड़ा, चेर ये पेड़ उगते हैं। Coniferous forests are found in the mountainous regions of the Himalayas. Deodar, pine, spurs and birch trees grow in this forest. तो शंकुधारी वन यानी कि coniferous forest हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देवदार, चीड़, स्प्रस और बर्च के पेड़ इन जंगलों में उगते हैं। The thorny forests are found in the northwest Punjab, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड द सदर्न एंड द वेस्टर्न एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। ट्रीज लाइक स्पर्च, अकेकिया, दैट इज कैक्टस एंड केपर आर फाउंड हियर। तो कांटेदार जंगल उत्तर पश्चिम पंजाब, पश्चिम हरियाणा में पाए जाते हैं। स्प्रिज, बबूल जिसके हम कैक्टस कहते हैं और केपर जैसे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ मैन। They provide us with primary and secondary products. They are economically and environmentally beneficial for a country.
तो मनुष्य के जीवन में वन बहुत उपयोगी हैं। वे हमें प्राथमिक और माध्यमिक उत्पादक प्रदान करते हैं। वे एक देश के लिए आर्थिक और पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं। बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरी ऑफ द सुंदरबंस फॉरेस्ट। तो नाव और स्टीमर सुंदरबन के जंगलों की सुंदरी लकड़ी से बनाए जाते हैं। बास्केट्स, मैट्स, टॉयज, फर्नीचर एंड आर्टिस्टिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम बैम्बू। बांस से टोकरी, चटाई, खिलौनों, फर्नीचर और कलात्मक चीज़ें बनाई जाती हैं। ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम पाम एंड डेट लीव्स, वाइल कटेचू इज मेड फ्रॉम कटेचू ट्रीज। तो झाड़ू को खजूर और खजूर के पत्तों से बनाया जाता है, जबकि कटेचू पेड़ से कत्था बनाया जाता है। पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम दियोदर ट्रीज एंड टर्पेंटाइन इज मेड फ्रॉम चिट ट्रीज। टी बॉक्सेस, मैच स्टिक्स, पोट्स, equipments, artificial fibers and filaments are also made from deodar and chit trees. तो कागज़ का गूदा देवदार के पेड़ों से बनाया जाता है और टर्पेंटाइन को चिड़ के पेड़ों से बनाया जाता है। चाय के बॉक्स से माचिस की तिल्लियाँ, खेल के equipments, artificial fibers और filaments भी देवदार और चिड़ के पेड़ों से बनाई जाती हैं। सीलिंग वैक्स इज यूज फॉर मेकिंग वार्निश, इंक फॉर प्रिंटिंग materials फॉर इलेक्ट्रॉनिक devices एंड gramophones. सीलिंग मोम का उपयोग वार्निश बनाने, छपाई के लिए, स्याही, इलेक्ट्रॉनिक की सामग्री और ग्रामोफोन के उपकरणों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। मैनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दे आर तो संरक्षण यानी जंगलों को बचाव, उनके बचाव के लिए कई उपाय किए गए हैं जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज फॉरबिडन, सिवियर पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज हु कट ट्रीज इल्लीगली। तो पेड़ों को काटना मना है, जो लोग अवैध रूप से पेड़ों को काटते हैं उन्हें गंभीर सजा दी जाएगी। ट्रीज शुड बी ग्रोन ऑन वेस्ट लैंड एंड पीपल शुड बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स अफॉरेस्टेशन। पेड़ों को भूमि पर उगाया जाए और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए। तो जो ये पेड़ उगाने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं अफॉरेस्टेशन। सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड मोर। तो ऊर्जा का स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरण ऊर्जा के स्रोत का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। पीपल शुड बी अलर्ट एंड मेड अवेयर अबाउट अफॉरेस्टेशन एंड नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड। लोगों को सतर्क होना चाहिए और अफॉरेस्टेशन और आवश्यक मदद के बारे में जागरूक करना चाहिए। मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू डेवलप द फॉरेस्ट साइंटिफिकली। तो वनों को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने के लिए अधिक वन अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। An environment should be created that compels every Indian to work with responsibility towards the production of forest. तो ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो हर भारतीय को काम करने के लिए मजबूर करे कि वनों की सुरक्षा के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। Now to cut a tree is to kill a man. इसका मतलब एक पेड़ को काटना मतलब एक आदमी को मारना है। Cutting trees lead to killing lives. पेड़ों को काटने से जान चली जाती है। योर प्रोजेक्ट वर्क इज गिवन, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ट्रीज अवेलेबल इन योर सिटी और विलेज एंड फाइंड हाउ यूजफुल दे आर एज मेडिसिन एंड इन योर रेगुलर लाइफ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सिटी या विलेज में जो भी 10 पेड़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि वो किस तरह से मेडिसिन या फिर किसी रेगुलर लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, यूज आते हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, The wildlife of India is different and varied. Different species of birds and animals from all over the world are there in India. The variety of wildlife is found in India increases the natural beauty of the country. तो भारत का वन्य जीवन अलग और विविध है। दुनिया भर से पक्षी और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां भारत में हैं। भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवन की विविधता देश की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। Elephants are found in Karnataka, Kerala and Assam. It is the largest mammal of India. They are used to carry wood and other goods from one place to another in forest. तो हाथी कर्नाटक, केरल और असम में पाए जाते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है। इसका उपयोग जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लकड़ी और अन्य सामान को ले जाने के लिए किया जाता है। The one-horned rhinoceros found in India is a unique animal. They are found in marshy areas of Assam and West Bengal.
भारत में पाया जाने वाला एक सिंग वाला गैंडा एक अनोखा जानवर है। यह असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। द वाइल्ड एस इज फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ एंड द कैमल्स इन द डिजर्ट एरियाज। तो जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है और ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया। एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो भारत में शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। द टाइगर्स ऑफ वेस्ट बंगाल दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर्स आर वन ऑफ द 8 स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड। टाइगर्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड इन सम एरियाज ऑफ द हिमालयस। तो पश्चिम बंगाल के बाघ जिसे हम रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं वो विश्व के 8 प्रजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में ये बाघ पाए जाते हैं। तिब्बतियंस बियर्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन्स एंड इन द डेडियापाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो तिब्बती भालू हिमालय क्षेत्र और गुजरात के डेडियापाड़ा के जंगलों में पाए जाते हैं। द लेपर्ड, हाइनास, ब्लू बुल दैट इज नील गाय, वुल्फ, ब्लैक बक, डियर एटसेट्रा फाउंड इन इंडिया। तो भारत में तेंदुआ, हाइना, नीला बैल जिसे हम नील गाय कहते हैं, भेड़िया, काला हिरण, हिरण आदि पाए जाते हैं। द लंगूर, गिप्पन, हुलॉक एंड बबून आर द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मंकीज फाउंड इन इंडिया। तो भारत में लंगूर, गिब्बन, हलॉक और बबून जैसे बंदरों की अलग अलग प्रजातियां हैं। अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर आल्सो सीन इन इंडिया। द डक, ईगल, पैरट, कॉमन मैना, पिजन, मैना एटसेट्रा आर द वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। अमंग द मोस्ट फेमस बर्ड्स द पीकॉक, द नेशनल बर्ड, इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड ऑफ ऑल। इट्स अट्रैक्टिवनेस इज ड्यू टू इट्स ब्यूटिफुल फेदर्स। तो भारत में विभिन्न प्रकार के पक्षी भी देखे जाते हैं। बतख, चील, तोता, आम मैना, कबूतर, मैना आदि भारत में पाए जाने वाले पक्षियों की एक अलग अलग प्रजातियां हैं। सभी पक्षियों में सबसे प्रसिद्ध मोर है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और ये सभी पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी है। इसका आकर्षण इसके खूबसूरत पंखों के कारण है। क्रेन्स दैट इज 1.5 मीटर टॉल एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दैट इज गौराड विच इज द हेवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया आर द अदर अट्रैक्टिव बर्ड्स ऑफ इंडिया। द रूडी शेल्डक दैट इज सुरखाब ले देयर एग्स इन द सैंड्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ। द कियोलदेव बर्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेंचुरी वे ऑलमोस्ट 2.5 लाख बर्ड्स आर फाउंड। द नल सरोवर ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्रेन जिसकी लंबाई 1.5 मीटर की है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम घोड़ा कहते हैं जो भारत का सबसे भारी पक्षी है, ये भारत का अन्य आकर्षक पक्षी है। रूडी शोल्डर जिसे हम सुरखाब के नाम से जानते हैं कच्छ के रण में रेत में अंडे दिए। राजस्थान का केवला देव पक्षी अभ्यारण्य दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जहां लगभग 2.5 लाख पक्षी पाए जाते हैं। गुजरात का नल सरोवर उन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है जो दुनिया भर से पलायन करते हैं यानी कि माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। फिश ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक द मैकरल, लॉबस्टर, बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट, हेरिंग, सलमॉन, शार्क, डॉल्फिन एक्सेट्रा फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों से मैकरल, लॉबस्टर, बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट, हेरिंग, सालमन, शार्क, डॉल्फिन बहुत ही अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। सो हियर यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया। तो इस मैप के मैं आपको सेंचुरीज दिखाई हैं दैट हमारे जो इंडिया है वहाँ पे अलग अलग सेंचुरीज कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट कॉर्बेट है, केवलदेव, सरिस्का, कान्हा, काजीरंगा, बदीपुर, पेनियार, शासनगीर। तो ये अलग अलग आपको यहाँ पर आपको सेंचुरीज दिखाई हैं। सो देयर आर 490 सेंचुरीज एंड 89 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे देश में कितनी सेंचुरीज है, 490, और नेशनल पार्क्स कितने हैं टोटल, 89। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी है, काजीरंगा जो असम में दिया है, रन ऑफ थार जो कि राजस्थान में है, कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है,
गिर नेशनल सेंचुरी जो कि गुजरात में है, इसी तरह से आपको बाकी भी दिया है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब यहाँ पे कौन से बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। मियरली 2% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। Polluted and poisonous water released from industries are rapidly polluting the underground water. This is posing a tremendous danger for all life forms as well as the environment. Thus, alternative means to reuse polluted water must be discovered. School and college curriculum must include forest development related content to inculcate awareness among students. Similarly, measures must be taken to protect forests from forest fires and minimize loss of life and property. तो पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर पानी का 2% मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित और जहरीला पानी तेजी से भूमि के अंदर वाले जल को प्रदूषित कर रहा है, तो ये पर्यावरण के साथ साथ सभी रूपों के लिए एक जबरदस्त खतरा है। इस प्रकार विकल्प का मतलब है प्रदूषित पानी का पुनः उपयोग करना चाहिए। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए वन विकास से संबंधित सामग्री शामिल होनी चाहिए। इसी तरह वनों को आग से बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए। Minerals are nature's gift to man. It is available in limited quantities and so must be utilized judiciously. Alternative means to conserve and preserve minerals must be found. Motivation should be provided to reuse minerals repeatedly. तो खनिज मनुष्य के प्रकृति की देन है, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसीलिए इसे सोच समझ कर उपयोग किया जाना चाहिए। हमें इसके alternatives को ढूंढना चाहिए और इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। बार बार खनिजों को पुनः उपयोग के लिए प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, मतलब हम उसे वापस से यूज कर सकते हैं, इस तरह हमें करना चाहिए। कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन हैज एमर्ज मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इन फैक्ट सर्टेन स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट इन सम फॉरेस्ट एरियाज। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर पोच्ड फॉर देयर स्किन, फेदर्स, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ, मीट एंड इवन मीट। Illegal and merciless killing of wild animals must be controlled. Citizens must be aware of the importance of wild animals. Correct information about the environment, forest, flora and fauna should be provided to people. Sanctuaries and national parks should be developed. तो लगातार वनों की कटाई ने जंगली जानवरों की कई प्रजातियों को खतरे में डाल दिया है। वास्तव में कुछ वन क्षेत्रों में कुछ प्रजातियां विलुप्त हैं। पक्षियों और जानवरों को उनकी त्वचा, पंख, हड्डियों, सींग, दांत, मांस और यहाँ तक कि मांस के लिए शिकार किया जाता है। जंगली जानवरों को अवैध और उनकी निर्दयी हत्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। नागरिकों को जंगली जानवरों के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। लोगों को पर्यावरण, वन, वनस्पतियों और जीवों के बारे में सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को विकसित किया जाना चाहिए। People should be made aware of wildlife through nature education camp. तो प्रकृति शिक्षा शिविर के माध्यम से लोगों को वन्य जीवन के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। सो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।